सो हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड कैस्टल क्रैश के और एक न्यू वीडियो में आप लोग गाइज फिर से वेलकम है। तो आज गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। और आज गाइज यहां पे जो है, आज तुम लोग को बताएंगे कि टॉप जो 10 इंडिया के प्लेयर है, जो लोग स्केलेटन जैक, जो लोग तुम लोग को भी पता नहीं है उन लोगों के बारे में, तो उन सभी लोगों के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो गाइज देखो, यहां पे जो है ना, इस सीज़न ये बंदा 6400 ट्रॉफीज किया है, शिव नाम है इसका, ठीक है। और ये अपने क्लैन का है और इसका यहां पे तुम डेक देख सकते हो। और इसका तुम लेवल देखो गाइज, मल्ली लेवल 11 का प्लेयर है, ठीक है। तुम पहले ये चीज़ गौर करो, ये वल्ली लेवल 11 का प्लेयर है। और तुम इसका डेक देखो, डेक कितना बढ़िया है, ये डेक अपना सुटेबल डेक बताया है। और गाइस तुमको पता है, ये वाला जो इसका ये गेम प्ले सीखा, ये खुद जो है मतलब मेरा ही यहाँ पे जो वीडियो से सीखा था, जो कि अभिषेक, हम बहुत पहले ही, तुम लोग को होगा तो अगर टाइम मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत पहले ही एक गाइस स्कल क्वीन का हम गेम प्ले हम डाले थे। और उससे भी बोला कि सौरभ भाई, आपने अभिषेक का गेम प्ले डाला था, मैं उसे गेम प्ले से मैं सीखा था कि मैं कैसे इस डेक का यूज़ कर सकता हूँ। और गाइज ये देखो, जिस टाइम मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस टाइम गाइज ये नंबर 4, तो नंबर 2 तक था गाइज, नंबर 1 भी बहुत बार गया, ठीक है। वनली लेवल 11 का सोच लो गाइज, हम लोग का तो लेवल 12 है, और कितनों का लेवल 13-14 सब का है। बट तुम गाइज सोचो, ये अपने टॉप का इंडिया का प्लेयर है, जिन लोग तुम लोगों को पता नहीं रहता, और तुम लोग गाइज सिर्फ देखते रहते हो कैनन कैनन कैनन, तो कभी गाइज स्पेक्चर या और भी अदर स्केलेटन डेक का गेम प्ले देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज तुम इसका डेक देख सकते हो, और साथ में गाइज अपोनेंट तुम देखो, अपोनेंट गाइज अपोनेंट नहीं है गाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। और यहाँ पे सौरव ने इसका नाम है, ठीक है, अपोनेंट का। और कार्ड लेवल भी सब मैक्स है, ठीक है। और तुम इसका गेम प्ले और उसका गेम प्ले तुम कंपेयर करो, कितना खतरनाक ये गेम प्ले किया है, ठीक है। और इस एस्केलेटन्स तक गाइज, इसका शिव का जो है एस्केलेटन्स तक मैक्स नहीं है, बट तुम इसे गेम प्ले देखना, गेम प्ले ये लड़का कितना अच्छा किया है गाइज। देखो कुछ भी हो, ये ऐसा गेम प्ले किया ना कि मेरे को इम्प्रेस कर दिया, बस यही है यहाँ पे मेन इसमें। और इसको हम बोले थे कि शिव, अगर तू जो है, अगर टॉप 10 इंडिया प्लेयर अगर आएगा, तो ये बोला था कि सौरभ भाई, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरे को हेल्प करो, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। तो अगर गाइज हम इसको हम बोले भी थे, अगर किसी को भी बोले, अगर कोई भी टॉप 10 प्लेयर इंडिया का जो आएगा एंड वो मेरे को बोलो, मैं उसके गेम प्ले के ऊपर रिएक्शन दूंगा। और गाइज उसके बाद बाकी डिपेंड करता है ऑडियंस, अगर ऑडियंस तुम्हारा जो है गेम प्ले पसंद करती है, और साथ में अगर तुम अपना जो है यूट्यूब पे कंटेंट अगर अच्छा बनाते हो, तो सिंपल सा गाइज ऑडियंस खुश होगी और वो भी तुम्हें जो है वहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो गाइज तुम लोग भी यहाँ पे बात समझ सकते हो। और गाइज देखो, ये सौरन को कितना इजिली हरा दिया, और सौरन यहाँ पे गेम लेफ्ट कर दिया, ठीक है। जबकि सौरन का कार्ड जो है गाइज पावर डेक यूज कर रहा है, इससे बहुत ज़्यादा हाई अपग्रेड कार्ड है। और उसके बाद गाइज देखो, यहाँ पे स्कल क्वीन वर्सेस स्कल क्वीन चल गया, और इसमें गाइज यहाँ पे सामने वाला जो ये बंदा है, ये डबल रेजोरेक्शन का यूज कर रहा है, रेजोरेक्शन जो बोलो गाइज, ठीक है। थोड़ा बहुत बोलने में भी मेरा मिस्टेक हो जाता है, तो छोटा छोटा जो है ना माइनर वर्ड को जो है तुम लोग उतना बड़ा मत करना, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि मेरा छोटा छोटा गलती को यार तुम लोग निकाल लेते हो। एंड इसके साथ गाइज देखो, अभी यहाँ पे जो ये बोनयार्ड का यूज़ किया ये बंदा, और लेवल 13 का गाइज इसका बोनयार्ड है, समझ रहे हो गाइज कितना अपग्रेड है। मेरा तो लेवल 12, अगर उसको फोर्स करेंगे तो लेवल 12 होगा, ठीक है। और साथ में गाइज यहाँ पे ये वेलकारी यूज किया, और उसके बाद यहाँ पे ये अपोनेंट देखो लेवल 5 का स्कल क्वीन और नेक्रोमेंसर यूज कर रहा है, और ये भी यहाँ पे नेक्रोमेंसर यूज कर रहा है, सिप भी यहाँ पे नेक्रोमेंसर यूज कर रहा है। और देखो गाइज, ये वाला गेम प्ले मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज गाइज इसका गेम प्ले भी हमको रिकॉर्ड करने में जो है मेरा हालत ख़राब हो गया था, बिकॉज ये लड़का इतना अच्छा खेला गाइज, हमको इम्प्रेस कर दिया, सही बताते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हम हो गए इस गेम प्ले से। तो सिंपली गाइज हमको ये बोला भी, सौरभ भाई कब दोगे रिएक्शन, कब दोगे। और गाइज मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे कॉन्टेंट और साथ में गेम प्ले भी था, जो कि यहाँ पे बहुत टाइम निकाले गाइज हम यहाँ पे इसका जो गेम प्ले को रिकॉर्ड किया और साथ में तुम लोग को बताना चाहे। और मैं शुरू से ही सोच रहा था गाइज कि मैं ऐसे सब बंदे, जिन लोगों का स्कल क्वीन स्पेक्चर और भी बहुत सारा अलग अलग टाइप का डेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत ये लोग गेम प्ले करते हैं, तुम लोगों को गाइज जानना चाहिए। और तुम लोग बताओ गाइज, ये क्या मैं गलत रिएक्शन दे रहा हूँ इस बंदे पे, तुम बताओ। और देखो गाइज, यहाँ पे बर्टुक जो है, ये भी एक टॉप प्लेयर में आता था, इसको भी काफ़ी इजिली हरा दिया, मतलब इतना अच्छा गाइज इसका गेम प्ले है गाइज, अब तुम बोलो हम कितना हम बोलेंगे, ठीक है, बोल भी नहीं पा रहे, मतलब इतना अच्छा से गेम प्ले ये लड़का किया है साथ में, और सिर्फ लेवल 11 का। और यहाँ तक कि गाइज लेवल 11 तक का प्लेयर ग्रैंड मास्टर 3 तक नहीं जा पाता है, हम ऐसा देखें। बट तुम खुद सोचो गाइज, ये बंदा लेवल 11 का हो के जो है ये कहाँ से कहाँ तक चला गया, चैंपियन 1 को गाइज कुछ पूछता ही नहीं, एकदम फालतू पूछता है, जब मन होगा तब ये चला जाएगा चैंपियन 1, सोच लो गाइज।
और यहाँ पे मैं गाइस सबको बोलता हूँ गाइस, जो भी यहाँ पे इंडिया का टॉप प्लेयर हो, अगर तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे चैनल पे रिएक्शन दूँ, मतलब तुम्हारे गेम प्ले पे रिएक्शन दूँ, ठीक है, चैनल गाइस ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे यूट्यूब को प्रमोट करूँ, कभी नहीं गाइस, हम कभी भी किसी को प्रमोट नहीं करते, ठीक है, हम बस सिर्फ जो जिसका गेम प्ले होता है ना, जो लेजेंडरी गेम प्ले होता है उसी को गाइस हम वहाँ पे वैल्यू देते हैं, उसी को अगर वो कुछ चाहता है हेल्प, क्योंकि उसका अगर गेम प्ले है और उसका गेम प्ले जानना चाहिए, और खास करके अपने इंडिया का, ना कि बाहरी, एक बात गाइस गौर करना, हम कभी भी जो है अपने बाहरी का सपोर्ट नहीं करेंगे और नहीं करते हैं, चाहे वो मेरा बाहरी दोस्त ही क्यों ना हो, तो इसलिए गाइस हम जब भी सपोर्ट करेंगे तो हम अपने अपने का ही करेंगे, अपने अंदर का ही सपोर्ट करेंगे। तो मेरा जो है अपना इंडिया में गाइस ये बंदा मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जो कि टॉप 10 में इस बार आके साबित भी कर दिया, ये बहुत अच्छा स्कल को इंडेक यूज कर सकता है। तो अब ऐसा नहीं कि गाइस ये अब तुम लोग कभी गेम प्ले मिला और तुम लोग अगर इसे हरा दोगे तो तुम इसे नूब नूब बोल दोगे, भाई ये कोई बात नहीं होता, ठीक है, तुम यहाँ पर खुद गेम प्ले देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जितना भी अपोनेंट है कितना हाई लेवल का है। और उसके बाद गाइस इसको तो जानते ही होगे गाइस जी, ये मतलब छोड़ो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा अगर बोलेंगे ना तो यहाँ पे बोलेगा कि मैं इसे कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली गाइस अब तुम इसको देखो, ये मेरे को बोलता है कि हम तुमको टूर्नामेंट में बहुत बार हराए हैं, ये गेम हो गया, बोले भाई गेम है, तुम हराओ या जीतो, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, तो इसमें जो हमको कोई लेना देना नहीं है कि तुम मुझे हरा दो या तुम खुद विन कर जाओ, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। तुम अब इसको देखो, यहाँ पे इसका कार्ड का लेवल तुम देखो, और साथ में सेव का तुम कार्ड का लेवल देखो, और तुम गाइस एक चीज़ गौर करना, मेरा जो जितना भी क्लैन का बंदा है ना, सबको रिस्पेक्ट करता है अपोनेंट का, ठीक है, कुछ कुछ होगा जो कभी कभी मजाक मस्ती में टंटिंग वंटिंग कर दे, तो गाइस उतना चीज़ मत लेना, बिकॉज गेम है तो टंटिंग वंटिंग इग्नोर ही करना। तो तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो, यहाँ पे जो ये बंदा है सामने वाला अपोनेंट, बिकॉज इसका नाम भी नहीं लेंगे, नाम लेने तक में मेरे को हानि है, क्योंकि गाइस बहुत दिक्कत हुआ है मेरे को, और बहुत सारा मतलब बात ऐसा ऐसा बोला जो कि बहुत ही चुभा है दिल में, तो इसलिए गाइस यहाँ पे जो है ना हमको इसका नाम वाम नहीं लेना, तुम बस गेम प्ले देखो, सीव इसको कैसे यहाँ पे जो है गेम प्ले यहाँ पे कर रहा है। और इसके साथ गाइस यहाँ पे देखो नेक्रोमेंसर अब यूज करेगा, और साथ में यहाँ पे देखो 25+ स्पेक्चर बना लिया, समझ रहे हो, 25+ स्पेक्चर, और साथ में तुम यहाँ पे देखो नेक्रोमेंसर, और ये कोई पहला बार इसको नहीं हरा रहा है, टूर्नामेंट में भी हरा चुका है, और खुद जो है यहाँ पे तुम लोग बहुत बार देखोगे कितना हरा चुका है। और अभी गाइस ये वाला तो गेम प्ले हुआ, तुम कल का तो गेम प्ले देख लेना गाइस, कल जो कल नहीं तो परसों जो गेम प्ले आएगा स्कल क्वीन का, ठीक है, अपने क्लैन के मेंबर का, उसका तुम गेम प्ले एक बार देख लेना, तुमको पता चल जाएगा कि वो क्या खेलता है, कितना खतरनाक है। और मैं तो गाइस शिव का जो गेम प्ले, हम सोचे कि इसका गेम प्ले बाद में डालेंगे, लेकिन जो है ये बोल रहा था कि नहीं सौरभ भाई मेरा जो है आप हमको डालो जल्दी, मतलब इसका मन था काफ़ी ज़्यादा कि यूट्यूब पे जो है ना इसको यहाँ पे देखना था कि मैं किस टाइप से इस पे रिएक्शन देता हूँ, तो इसका बहुत दिन से मन था। तो गाइस देखो अगर ये जो है ये सिर्फ कमेंट करेगा, ठीक है, तो कमेंट करेगा ना तो हम इसका कमेंट को पिन कर देंगे, क्योंकि गाइस इसका गेम प्ले अच्छा है और हमको ऐसा प्लेयर का जरूरी है इंडिया में। और अगर गाइस ये बंदा जो है सिव अपना क्लैन का सिव 111, ठीक है, अगर ये वीडियो बनाता है, कंटेंट बनाता है, अच्छा से गेम प्ले करता है, ठीक है, और मतलब बढ़िया से, अगर तुम लोग को इसका वीडियो देखने में अच्छा लगता है, कंटेंट भी बढ़िया बनाता है, तो सिंपली गाइस तुम जाके इसको सपोर्ट करो, मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है, बिकॉज यार ऐसे बंदे हम लोग को चाहिए इंडिया में, अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसे गाइस ये बोल रहा था कि सौरभ भाई मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ यूट्यूब पे, ये हो जाता वो हो जाता, हम बोले भाई कोई बात नहीं डीमोटिवेट भाई, हम भी जब स्टार्टिंग में ट्राई किए थे तो मेरा भी उतना व्यूज ट्वीच ऐसा कुछ नहीं आता था, ठीक है, पर धीरे धीरे ट्राई करते रहे तो ऑडियंस को मेरा गेम प्ले अच्छा लगा, और बहुत सारा चीज़ मेरे में अच्छा लगा, तो उसने भी मेरे को सपोर्ट किया, तो हम भी बोले भाई तुम भी यार स्टार्टिंग में ट्राई करो तो धीरे धीरे तुमको भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसलिए उसका टेंशन मत लो, और बस तुम बस एक बार जानो तुम बस एक मून नाइट्स के मेंबर हो, तो सिंपली गाइस जहाँ हमें वहाँ तुमको दिक्कत नहीं होगा, बट सिर्फ तुम जो है अपने जो है अपना बिहेवियर खराब मत करना, और साथ में जो है तुम अपना गेम प्ले से इंप्रेस करते रहना अपने ऑडियंस को, तो गाइस तुमको जो है कभी भी डिमोटिवेट होने का टेंशन नहीं मिलेगा, और गेम प्ले वेम प्ले कुछ नहीं उतना दिक्कत होगा, ठीक है। तो गाइस तुम लोग बताओ, गाइस तुम लोग कभी ऐसा गेम प्ले देखे थे इंडिया में, हमको अच्छा से बताना गाइस, ऐसा गेम प्ले जो है तुम देखे थे तुम बताना, इससे पहले गाइस तुम मुकेश का तुम गेम प्ले देखा होगा, उसका गेम प्ले कितना खतरनाक है, ठीक है, स्पेक्चर डेक और स्केलेटन डेक कितना अच्छा यूज करता है, और उसके बाद गाइस तुमको यहाँ पे सिर्फ का गेम प्ले देखा, तुम लोग बताओ गाइस क्या तुम स्केलेटन डेक में तुम इसको बोल दोगे कि इसको कोई हरा देगा भाई, कैनॉन डेक या कोई भी डेक कुछ भी हो इसके सामने जो टिक नहीं पाएगा, सही बता रहे, जितना बंदा है हरा दे वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे जैसा इसका डेक और जैसा इसका गेम प्ले है इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, इसका गेम प्ले बहुत एक नंबर है। और तुम जो बोलो कि ये फालतू डेक है, तो भाई एकदम फालतू डेक नहीं, ये डेक जो यूज कर रहा है ये आज से डेक यूज़ नहीं हो रहा है, जब से गाइज नेक्रोमेंसर स्टार्ट हुआ था ना, और तब से गाइज मेरे क्लैन में दो मेंबर था, अभिषेक था और तुषार था, दोनों लड़का काफ़ी अच्छा यूज करता था और बहुत ज़्यादा हमको बढ़िया लगता था उसका गेम प्ले में, और
और इम्प्रेस हो गए थे हम भी उसे गेम प्ले, तो हम भी उसे गेम प्ले जो उस टाइम यहाँ पे हम डाले थे, तो होगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो खोज के लिंक तुमको लोग को दे देंगे, तुम लोग देख लेना वो कैसा गेम प्ले करता था। सेम इसी टाइप का नेक्रो मैंसर स्केलेटन डेक से काफ़ी तगड़ा गेम प्ले गाइज करता था। और तुम खुद सोचो ना शिव का जो स्केलेटन अगर लेवल 15 होगा तब और कितना चांस मिलेगा सामने वाला अपोनेंट को। इसका स्केलेटन लेवल 14 और इसको हम बोले अपना स्केलेटन को जो है ना तुम मैक्स कर लेना, स्केलेटन लेवल 15 कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और गेम हम इसको बोले तुम कुछ भी जब तुमको स्केलेटन डेक से खेलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम स्केलेटन डेक को डेक से ही बहुत अलग अलग टाइप का डेक ट्राई करो और तुम अपना डेक को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लो। इससे होगा तुम स्केलेटन का जो काफ़ी तगड़ा गेम प्ले तुम कर सकोगे और इससे जो तुमको फुल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बट एक ही डेक अगर स्केलेटन से खेलोगे तो गाइस खेलोगे वो तो सही है बट अलग अलग ट्राई करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ये मेरा मतलब अपना ओपिनियन था, तो इसको भी गाइस वो सब बात इसको अच्छा लगा जितना बात बोले और बहुत बात हमसे किया। और जितना भी बात करता है गाइस क्लैन में कोई भी मेंबर है गाइस क्लैन में ऑल सबसे पूछ लो, कोई भी अगर हमसे अच्छा से बात करता है हम सबको बढ़िया से बताते हैं और सबको बढ़िया से हर बात बोलते हैं और ऐसा कभी नहीं सोचते कि गाइस वो अच्छा वो प्रो प्लेयर है वो न्यू प्लेयर है, ऐसा हम कभी नहीं सोचते ठीक है दूसरे के जैसा हम कभी नहीं है। और गाइस जहाँ तक बात है टूर्नामेंट ठीक है, टूर्नामेंट में गाइस क्या होता है कि तुम एक राउंड जीतो मतलब 10 राउंड में अगर तुम 8 राउंड 9 राउंड जीत गया लास्ट का 10 राउंड हार गया तो गाइस तुम हार जाते हो। अगर जीत गया तो जीत गया ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं, हम भी बहुत बार टूर्नामेंट जीते हैं तुम लोग देखा ही होगा। तो सिंपल सा बात है गाइस गेम है गेम का पार्ट है हार जीत लगा रहता है तो उसमें गाइस उतना जो है मतलब करना नहीं। अगर टूर्नामेंट अब नहीं जीत पा रहा है यार तुम लोग अगर खुद तुम लोग खुद हारे हो कि राउंड 8 या 9 में हार गया तो उससे गाइस कुछ नहीं होता। बट लेकिन तुम ये सोचो गाइस कि राउंड 7 तक वो बंदा चला गया एक ही डेक से खेलते खेलते क्या खेला होगा, तुम कभी ये चीज़ सोचते हो गाइस राउंड 8 में राउंड 9 में वो चला गया राउंड 10 तक में चला गया लेकिन हार गया कोई बात नहीं लेकिन राउंड 9 तक कैसे निकाला, तुम कभी ये चीज़ गाइस गौर करते हो? गाइस बहुत तगड़ा खेला होगा बहुत अच्छा से खेला होगा तब ना गाइस उतना राउंड निकाला होगा। भाई तुम लोग ये चीज़ देखो, ये चीज़ मत देखो मास्टर स्टिकर जीत लिया टूर्नामेंट स्टिकर जीत लिया, भाई स्टिकर जीत लिया स्टिकर उससे कुछ नहीं होता गाइस, स्टिकर जो है ना बाद में स्टोर में भी आएगा तुम लोग स्टिकर खरीद भी लेना समझा, ऐसा भी होता है। एंड जीता तो अच्छा बात है जीतो भाई गेम प्ले तुम्हारा सही जीतो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दूसरा अगर कोई नहीं जीत पता तो उसको गाइस हेट मत दिया करो ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम ठीक है। और गाइस यहाँ तक कि हम तुम लोग को ये भी बात बोले कि मतलब जो लोग अपने जो क्लैन का है वो लोग जो इंडिया का फ्लैग वाला अगर क्लैन में अगर लगाते हो मतलब तुम लोग का क्लैन का नाम कुछ भी हो बस उसमें इंडिया का फ्लैग लगा रहना चाहिए तो सिंपली गाइस हम तुम लोग का क्लैन पर भी रेट देंगे। तो अभी देखो गाइस अभी हम जो हम वो स्टार्ट करेंगे बट अभी जो अभी सबसे पहले यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे गेम प्ले तुम लोग को दिखाने वाले बिकॉज बहुत दिन से तुम लोग को बोले थे ना कि स्केलेटन डेक का गेम प्ले दिखाएंगे स्केलेटन डेक का गेम प्ले दिखाएंगे तो फाइनली गाइज वो हम पहले यहाँ पे स्टार्टिंग दिखाते हैं उसके बाद गाइज मेरे को जब टाइम मिलेगा तो हम करेंगे। गाइज हमको खुद यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता ठीक है, मेरा भी कुछ अपना वहाँ पे कुछ काम वाम रहता है कुछ वर्क रहता है अपना ठीक है, तो सब बात गाइज सब पर्सनल चीज़ तो अब हम तुम लोग को नहीं बता पाएंगे बट इतना जान लो कि मैं जो है इतना मतलब इतना रहता है मतलब इतना बिजी रहते हैं बट उसके बावजूद भी गाइज हम अपना टाइम निकाल के जो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं यूट्यूब पे बिकॉज गाइज हम इसको जो शुरू से करते आए हैं और हमको जो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे यूट्यूब पे एक तरह से तुम मान सकते हो गाइज मेरा इंटरेस्ट है ठीक है। और मतलब चाहे मेरा व्यूज आए या नहीं आए वो अलग चीज़ है बट हमको अगर गेम में अपडेट आता है तो गाइज हमको काफ़ी अच्छा लगता है। और हम शुरू से भी बोल रहे थे गाइज कितना बार डिमोटिवेट भी हो गए थे हम बोल रहे थे गाइज गेम में अपडेट नहीं आ रहा है बट गाइज अब जो अब अपडेट स्टार्ट हो गया है गेम में तो इसलिए गाइज अब जो अब कैसल क्रेस काफ़ी अच्छा बनेगा और अच्छा हम लोग बनाएंगे और ट्राई करेंगे बिकॉज गेम डेवलपर जितना करेंगे वो तो करेंगे बट हम लोग भी अपने तरफ से गाइज यहाँ पर कोशिश करेंगे कि गेम को जो और भी काफ़ी अच्छा बनाए बेहतरीन बनाए जो कि जो है सामने वाले अपोनेंट को मतलब सामने वाले अपोनेंट बोलते गए सामने वाले कोई भी न्यू गेमर हो या कोई भी हो उसको खेलने में गाइज काफ़ी मजा आए तो हम लोग गाइज अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि उसका जो गेम प्ले एक नंबर वो गेम प्ले खेले तो इसलिए गाइज तुम लोग भी यहाँ पर ट्राई करो ठीक है। एंड यहाँ तक कि गाइज यहाँ पे और कुछ कुछ बात था गाइज चलो ये सब बात छोड़ो एंड अब तुम लोग यहाँ पे गेम प्ले देखो ठीक है। और कुछ कुछ बात था यहाँ पे जो है ना कि ट्विटर वाला तो ट्विटर वाला गाइज देखो हम यहाँ पे बात किए थे कैस्टल क्रश वालों से ठीक है और वहाँ पे कैस्टल क्रश वालों ने और एक बंदा बोला था कि सौरभ भाई आईफोन में यहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा है यहाँ पे आईफोन का कुछ प्रॉब्लम है हमको यहाँ पे 300 जेम्स नहीं मिल रहा है। तो गाइज देख लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट तुम देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे गेम एडमिन का क्या करना है तो तुम लोग गाइज खुद देख लो आईफोन वाला जो यहाँ पे कुछ बोला यहाँ पे लाएगा ठीक है तो वो अपने यहाँ पे सिम्बॉल लोगों कुछ यहाँ पे अपना लाएगा तो वही तुम लोग यहाँ पे देख लेना तो आईफोन में भी जल्दी अपडेट आएगा। तो सिंपली गाइज उन सभी के लिए जो ये सब मैनर्ड बात है और हमको भी गाइज ये सब बात उतना पूछना नहीं चाहिए बट तुम लोग यहाँ पे जो बहुत सारा हमको कमेंट आता है गाइज तो हम बहुत
थोड़ा कमेंट रखे जो ना गाइज, हम भी गेम एडमिन से जाके पूछने लगते ये सब बात। तो गाइज वैसे भी तुम लोग के लिए गाइज हम कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसका उतना हमको परवाह नहीं कि मतलब क्यों पूछते उतना बार किस लिए पूछते हैं, तो इसलिए गाइज वो सब चीज़ को जो है मतलब इग्नोर ही करना। तो सिंपली हम वही बता दिए गाइज, ट्विटर वाला जो प्रॉब्लम हमको पता नहीं गाइज तुम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है, बट हम मुझे जेम्स मिल गया है और बहुत लोगों को भी यहाँ पे जेम्स मिल चुका है। एंड नहीं मिल रहा तो गाइज ट्राई करो, ट्राई करते करते मिल जाएगा, बिकॉज गाइज वो सब के लिए जेम्स है, 300 जेम्स अब सबको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा तो गाइज बाद में जो तुम लोग को जेम्स मिल जाएगा, ठीक है। और तुम गाइज यहाँ पे अब चलो, अब यहाँ पे जितना बात है वो सब खत्म कर दो, और अब जो इसका लास्टली यहाँ पे जितना गेम प्ले है गाइज वो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे और बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं गाइज, देखो यहाँ पे जो ये जूनियर्स यहाँ पे जो अपोनेंट है जो बेरी लेटरनो कैलेन का जो ये मेंबर है, तो ये गाइज यहाँ पे फिर से आ गया। और देखो गाइज ये यहाँ पे स्टिकर दिखा रहा है इसको, और इसको थोड़ा सा क्लैन में बोला था ये बैटल सेट करके, गुस्सा भी लग रहा था इसको कि ये स्टिकर दिखा रहा है, बट इट्स ए फन वे। तो जस्ट मजाक में यहाँ पे स्टिकर दिखाया जा रहा था, बिकॉज स्टिकर्स इज अ गेम ऑफ आर्ट, और जस्ट फन वे में दिखाओ कि सामने वाले को मतलब ऐसे स्टिकर गाइज यूज करो कि सामने वाले बंदे को जो बुरा आने लगे तुम्हारा स्टिकर दिखाने से, तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और गाइज देखो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे यूज कर दिया है वेलकैडी का सीव, और साथ में गाइज 18+ स्क्रीटन्स बना दिया है। भाई इसको क्या चांस मिलेगा भाई, इसको यहाँ पे कोई चांस ही नहीं दे रहा है। और इसके साथ यहाँ पे जो लेवल 4 का इसका नेक्रोमेंसर है, बिकॉज इसका नेक्रोमेंसर का कार्ड का लेवल है लेवल 3, लेकिन इसको जो लेवल 4 ये करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे अटैक काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसके साथ गाइज एस्केलेटन्स यहाँ पे जो है आइस एलिमेंटल, देखो तुम सामने वाला बंदा तुम आइस एलिमेंटल देख लो गाइज लेवल 13 का आइस एलिमेंटल है, और उसके बावजूद भी गाइज इसका स्ट्रेटजी देखो गाइज ये जब तक मैं आइस एलिमेंटल को जमाता, और गाइज यहाँ पे देखो ये भी स्टिकर दिखा रहा है, बिकॉज इसको जो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगे तो स्टिकर दिखाने से। तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है अब यहाँ पे स्कल क्वीन यूज कर दिया, और यहाँ पे भाई यहाँ पे वो ब्लैक विच यूज कर दिया था जूनियर्स, बट उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और यहाँ पे जो ये 45 यूज कर रहा है एंड बट कोई चांस ही नहीं है गाइज जिसको यहाँ पे ये मैच विन कर जाएगा, ऐसे कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही गाइज यहाँ पे देखो अब यहाँ पे चांस है, और यहाँ पे ड्रैगन भी उतार दिया लेवल 5 का, ठीक है, लेवल 5 का ड्रैगन उतार दिया, और भाई मतलब वैम्पायर्स का स्टिकर यूज कर रहा है, और यहाँ पे देखो रैपर्स का, तो काफ़ी गाइज मज़ा आ रहा है। तो सिंपली कैसे लोग बताना गाइज शिव का गेम प्ले कैसा लगा, और साथ में मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में बात बताना, तो एंड रिप्लाई भी दूंगा। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड यू विल बी हैप्पी।